Hello, everyone, welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM. And here I am back with another video. So, this is the part 2 of the Corporate Finance Last Minute Revision series which we have started. So, what to revise in the last minute, what not to revise, which are the points which we should concentrate from the topics of the MCOM part 1, semester 2 of the subject Corporate Finance. So, yesterday we have already seen three topics and in this session also we are going to cover remaining three topics and we will be having an overall overview a brief overview about the topics about the basic points which you should remember while attempting the mcqs questions in the paper of tomorrow so basically all these points will help you to clear your basics and which will be helpful for attempting the mcqs i have already added 6 videos related to the mcqs what kind of mcqs can be expected how the practical base mcqs will be asked so all those videos you are going to watch related with the mcqs part and i think that you have seen all those videos and your basics are clear तो अगर आपने अभी तक वो वीडियोस को चेकआउट नहीं किया है तो एम सी की उसके सारे वीडियोस को ध्यान से देखें एक प्लेलिस्ट ही बना के रखा है ताकि आपको ये सारे वीडियोस हेल्प हो जाए और उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे बट जैसे आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारी चीज़ें आपको उस एम सी में प्रॉपरली एक्सप्लेन की गई है so let us start with the today's session and today we are going to have the three topics which we have left yesterday so yesterday we have already covered about the three topics the so first uh, topic which we are going to revise today will be the time value of the money second topic is cost of capital and the third topic which is related with the cost of capital and that is called as capital structure सो लेट एस स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक विच वी हैव टू बेसिकली सी फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ view दैट is टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी थोड़ा सा टेक्निकल uh, पार्ट है इसमें लेकिन हमको थोड़ा एग्जाम से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ देखो टाइम वैल्यू ऑफ मनी की अगर बात करें कि कंसेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है दैट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट वी हैव अ चैप्टर ऑफ कैपिटल बजेटिंग उसमें डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं टू इवेल्युएट अ प्रोजेक्ट टू फाइंड आउट विच प्रोजेक्ट इज बेस्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोडक्ट विल बी वाइबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन फॉर दैट पर्पज वी आर यूजिंग दी डिफरेंट मॉडर्न अप्रोचेज और उसमें एक मेथड होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू मैथड तो नेट प्रेजेंट वैल्यू मैथड क्या करता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करता है अब फर्स्ट एंड द फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब क्या है टाइम वैल्यू ऑफ मनी की अगर बात करें तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मतलब कि अगर हम आज रुपीज हंड्रेड की बात करें मैंने यहां पे रुपी वन की बात की है आज अगर सौ रुपए की चीज सौ रुपए में जो भी आप परचेस कर पा रहे हो वही सौ की वैल्यू जो है वो इन फ्यूचर अगर देखा जाए तो टेन रुपीज़ हो जाएगी मतलब कैसा है कि जो चीज़ आज आप सौ रुपए में परचेस कर रहे हो वही चीज़ आपको इन फ्यूचर आप जाओगे तो आपको वही चीज़ हज़ार रुपए हो जाएगी जैसे हमें हमने काफ़ी बार अपने पेरेंट्स से सुना होगा कि हमारे टाइम में वन रुपी में ये चीज़ मिलता था हमारे टाइम में फाइव पैसे में ये ये चीज़ मिलती थी हमारे टाइम में टेन पैसे में ये चीज़ मिलती थी अभी वही चीज़ अगर देखी जाए तो हंड्रेड में मिलती है इन फ्यूचर दस साल पंद्रह साल के बाद वही चीज जो है वो फाइव हंड्रेड में मिलेगी वन थाउजेंड में मिलेगी एंड दैट इज कॉल्ड एज द कंसेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ द मनी तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी मीन्स वॉट द वर्थ ऑफ अ रूपी रिसीव्ड टूडे इज डिफरेंट फ्रॉम द वर्थ ऑफ अ रूपी दैट विल बी रिसिव्ड इन द फ्यूचर इसके लिए डिस्काउंटिंग मेथड्स होते हैं डिस्काउंटिंग टेक्निक्स होते हैं जिससे हम फ्यूचर वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं सो so, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करके हम फ्यूचर वैल्यू के बेसिस पे डिस्काउंटिंग मेथड के बेसिस पे प्रेजेंट वैल्यू के बेसिस पे हम फ्यूचर वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं एंड वी आर यूजिंग द डिस्काउंटिंग डिस्काउंटिंग रेट फॉर दैट तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी यही इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें बताता है बेसिकली बॉन्ड्स का वैल्यूएशन वो सारी चीज़ें इसमें है एंड अगर हम सेकेंड इसमें पॉइंट देखें तो इंटरेस्ट के बारे में है बिकॉज देर आर टू इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट ऑल ऑफ यू आर नोइंग स्कूल डेज में भी आपने ये कंसेप्ट पढ़े हैं एक आपका सिंपल इंटरेस्ट फार्मूला भी सबको याद होगा सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू पी इंटू एन इंटू आर अपॉन हंड्रेड ऐसा आपका फार्मूला है फिलहाल फार्मूला तो यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे और सेकेंड जो कंसेप्ट है दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी आपने स्कूल डेज में पढ़ा होगा और बेसिकली अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें इन्वेस्टिंग की बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट को एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी कहा गया है अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है कि एट वंडर ऑफ द वर्ल्ड अगर कुछ है दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट बिकॉज स्टॉक मार्केट में यू माइट बी नोइंग अ पर्सन काफी फेमस इंसान एंड ही इज वॉर बफेट तो वॉरन बफेट का जो भी वेल्थ क्रिएट हुआ है वो कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह से ही हुआ है से फॉर एग्जाम्पल अगर हम हंड्रेड रुपीज को इन्वेस्ट करते हैं एंड वी गेट इंटरेस्ट ऑन दैट टेन परसेंट तो हंड्रेड पे टेन परसेंट मतलब आपको टेन रुपीज का इंटरेस्ट मिलेगा तो so अभी टोटल वैल्यू आपका हंड्रेड एंड टेन बन जाएगा एंड दिस हंड्रेड एंड टेन पे अभी आपको इंटरेस्ट मिलेगा जैसे आपकी बेसिस पे दैट इज कॉल्ड एज द कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट के ऊपर और इंटरेस्ट इंटरेस्ट के ऊपर और इंटरेस्ट ऐसे करके जो वेल्थ है वो बढ़ती जाएगी तो दिस टू यू हैव टू रिमेंबर इन दिस टॉपिक ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ द मनी तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बेसिस पे मतलब आज जो वैल्यू है एक रूपी की वैसे ही वैल्यू फ्यूचर में नहीं रहेगी फ्यूचर में उसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी दैट इज द बेसिक कंसेप्ट तो ये थोड़ा सा आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बेसिस पे याद रखना है अब हमारे मेजर पार्ट पे आते हैं विच इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड दिस चैप्टर दिस चैप्टर बेसिकली कवर्स ऑल द फॉर्मूलाज विच यू हैव टू रिमेंबर बिकॉज स्मॉल स्मॉल क्वेश्चन कैन बी आस्क एंड विच काइंड ऑफ प्रैक्टिकल क्वेश्चन हाउ द प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैन बी एक्सपेक्टेड दैट हैव ऑलरेडी सॉल्व इन दीडियोज तो वो एम सी क्यूज बेस का जो प्रैक्टिकल बेस्ड वीडियोज है वो आप देखें हाउ टू कॉल टू सॉल्व बेसिकली कॉस्ट ऑफ डेट हाउ टू सोल्व कॉस्ट ऑफ रिटर्निंग ऑल based mcq so let us see ऑफ basics of this chapter देखो कॉस्ट ऑफ कैपिटल की अगर बात करें तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है एक रिटर्न जो शेयर होल्डर्स को मिलेगा उसके इन्वेस्टमेंट पे आप कहेंगे सर इन्वेस्टमेंट पे अगर रिटर्न मिल रहा है तो वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे हुआ बेसिकली फॉर फर्म फॉर द कंपनी इट इज द कॉस्ट से फॉर एग्जाम्पल रिलायंस कंपनी में मैंने रिलायंस कंपनी के शेयर्स को परचेज कर लिया अब रिलायंस कंपनी का मैं शेयर होल्डर बन गया लेकिन रिलायंस कंपनी विल बी पेइंग मी डिविडेंट ऑन माई इन्वेस्टमेंट सिंस आई एम दी इन्वेस्टर इन रिलायंस कंपनी रिलायंस कंपनी विल बी पेइंग मी रिटर्न ऑन माई इन्वेस्टमेंट्स एंड दैट इज वाई इट्स अ कॉस्ट फॉर द कंपनी तो दो शेयर्स के लिए जो पेमेंट होता है डिविडेंड का वो कॉस्ट होती है कंपनी के लिए इफ कंपनी इज इशूइंग डिबेंचर्स तो डिबेंचर्स के ऊपर जो कॉस्ट होता है वो भी डिबेंचर्स uh, के ऊपर जो कॉस्ट मतलब अगर हम बात करें तो दैट इज कॉल्ड एज द इंटरेस्ट वो भी कंपनी के लिए क्या है दैट इज द कंपनी के लिए कॉस्ट हो गई तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है इज द रिटर्न दैट मस्ट बी प्रोवाइडेड फॉर द यूज ऑफ द इन्वेस्टर्स फंड हमने इन्वेस्टर्स से पैसे लिए और इन्वेस्टर्स का पैसा हम हमारे बिजनेस में लगा रहे हैं इसलिए लगा रहे हैं कि बिजनेस का ग्रोथ हो बिजनेस का डेवलपमेंट हो बिजनेस अच्छा प्रॉफिट कमाए तो यही पार्ट पे हमें बिजनेसमैन को क्या करना पड़ेगा उनके इन्वेस्टर्स uh, को अच्छे रिटर्न्स देने पड़ेंगे दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज द कॉस्ट तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द फर्म रिक्वायर्ड फॉर द इन्वेस्टमेंट इन ऑर्डर टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द फर्म इन द मार्केट तो कंपनी का वैल्यू बढ़ना चाहिए मार्केट में और कंपनी का वैल्यू अगर मार्केट में बढ़ेगा तो कंपनी के शेयर्स की प्राइस जो होगी वो धीरे धीरे बढ़ते जाएगी और उसके बेसिस पे इन्वेस्टर्स विल गेट अ गुड रिटर्न्स तो बेसिकली कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आपको इतनी चीजें याद रखनी है फर्दर अगर हम बात करें तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल की तो ये काफी इंपॉर्टेंट है मैंने पूरा चार्ट वाइज प्रेजेंट कर दिया है यहां से आपको एक ना एक एमसी पूछा जा सकता है जैसे कि वी हैव टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट नंबर वन इज द एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड नंबर सेकेंड इज द इम्प्लिसिट कॉस्ट अगर हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट की बात करें तो इट्स वेरी सिंपल एक्सप्लिसिट का मतलब होता है ऐसा कॉस्ट जो हम बाहर वालों को पेमेंट करेंगे दैट मींस इक्विटी शेयर्स वी आर इशूइंग तो जैसे हमने शेयर्स को इशू किया इन्वेस्टर्स से पैसे आए तो इन्वेस्टर्स को हमें क्या पेमेंट करना है वी नीड टू पे डिविडेंड तो ये बाहर वालों को पेमेंट करने की कॉस्ट है इक्विटी हो या प्रेफरेंस हो डिबेंचर्स के ऊपर हमें क्या पेमेंट करना पड़ता है इंटरेस्ट तो दैट इज वाई ये भी बाहर वालों को पेमेंट करने की कॉस्ट है तो आपको सिंपल चीज याद रखनी है there are two types of cost one is explicit and the another cost is called as implicit cost so explicit cost matlab bahar walon ko payment karne wali cost aur implicit cost matlab मतलब ऐसी cost जो हमने वो पैसा किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो हमें उसके ऊपर वो कॉस्ट इनकर होगी हम उसपे बात करेंगे फिलहाल अगर हम बात करें तो बेसिकली एक्सप्लिसिट कॉस्ट में वी हैव प्रेफरेंस एंड वी हैव डिबेंचर्स तो इक्विटी प्रेफरेंस एंड डिबेंचर आर हैविंग द एक्सप्लिसनिंग्स विल बी है इंप्लिस तो इट कैन बी आस्क इन देपर दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सप्लिस ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंप्लिसिड कॉस्ट यू शुड बी वेरी मच क्लियर विद द कंसेप्ट वॉट एवर वी आर Going to pay to the outsiders is called as the explicit cost, and three points are covered in that number one is equity, number second is preference, and number third is debentures. For equity, we are calculating cost of equity, which is represented by KE, for preference, we are calculating cost of preference, which is represented by KP, for debentures, we are calculating the cost of debt, which is represented by KD. Here और अगला जो हमारा कॉस्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज रिटेंड अर्निंग्स मतलब हमारा इम्प्लिसिड कॉस्ट तो इम्प्लिसिड रिटेंड अर्निंग्स का मतलब हमने क्या किया कुछ प्रॉफिट हमने बांट दिया और कुछ प्रॉफिट हमने रिजर्व करके रखा है कुछ प्रॉफिट हमने रिटेंड करके रखा है अगर वो प्रॉफिट हम कहीं पे इन्वेस्ट करते तो हमें वहां से भी रिटर्न मिलते बट सिंस वी हैव नॉट इन्वेस्टेड दैट वो रिटर्न हमें नहीं मिलेंगे एंड वी हैव लॉस्ट द अपॉर्चुनिटी वी हैव लॉस्ट दी अपॉर्चुनिटी तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी में कवर होता है तो इसीलिए रिटेन अर्निंग्स क्या है हम रिटेन अर्निंग्स को कहीं इन्वेस्ट करते तो वहां से हमें रिटर्न्स मिलते लेकिन हमने रिटेन अर्निंग्स को कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो वो जो इन्वेस्टमेंट हमने नहीं किया उसी टाइप के कॉस्ट को बोला जाता है तो कॉस्ट उसपे इनकर हुआ दैट इज कॉल्ड एज इंप्लिसिट कॉस्ट तो दो टाइप के कॉस्ट आपको याद रखने हैं इन द चैप्टर ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है वो भी हमने डिस्कस कर लिया कॉस्ट ऑफ कैपिटल में दो टाइप के कॉस्ट होते हैं नंबर वन इज एक्सप्लिसिट नंबर सेकेंड इज इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट में तीन टाइप के पॉइंट्स आते हैं इक्विटी प्रेफरेंस एंड डिबेंचर्स ये आपके एक्सप्लिसिट है क्यू बिकॉज ये हमें पेमेंट करने हैं बाहर वालों को रिटर्न अर्निंग्स इम्प्लीसिड कॉस्ट है क्यू बिकॉज अर्निंग्स हमने हमारे पास रिटर्न करके रखे हैं वी हैव नॉट इन्वेस्टेड दैट 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 अर्निंग समवेयर एल्स इज 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 वी हैव इनकर्ड द कॉस्ट कॉस्ट ऑन एंड कॉल्ड एज इट रिप्रेजेंटेड रिटर्निंग के आर आपको याद रखना है रिटर्न अर्निंग्स का किसके बेसिस पे रिप्रेजेंट किया जाता है रिप्रेजेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ के आर फर्दर आगे बढ़ते हैं तो ये सारे बहुत सारी चीजें अभी फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है कॉस्ट ऑफ इक्विटी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस तो बहुत सारे यहां पे आपको फार्मूलाज दिख रहे हैं फार्मूलाज आर प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल ओवर हियर बिकॉज इन दिस चैप्टर मेजर आर द फॉर्मूलाज तो बेसिक चीजें तो मैंने आपको अभी बता दी है कि बेसिक चीजें ये है कि इम्प्लीसिड कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट के बारे में यू हैव ऑलरेडी सीन दैट तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो कॉस्ट ऑफ डेट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो आपको याद रखना है के डी केडी इज वॉट के डी इज द कॉस्ट ऑफ डेट तो के डी मतलब कॉस्ट ऑफ डेट है डेट मतलब हमारा डिबेंचर्स या लोन जो रहेगा फॉर्मूला क्या बनेगा आपका फॉर्मूला बनेगा इंटरेस्ट ब्राकेट वन माइनस टैक्स किस तरीके से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं वो मैंने ऑलरेडी एमसीक्यूज़ एमसी जो प्रैक्टिकल वीडियोज है उसमें मैंने सॉल्व करवाया है

एवरी वन इफ़ इट इज़ क्लियर जस्ट कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एक बार कमेंट करके मुझे बता दो ताकि मुझे भी पता चले कि ये जो सेशन्स हम ले रहे हैं आपको इससे बेनिफिट मिल रहा है तो कल का भी सेशन हुआ था काफ़ी बच्चे ये देखते हैं अगर आपको सेशन अच्छा लगता है या इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है तो वीडियो के नीचे जो लाइक like का बटन है वो लाइक like का बटन प्रेस करें और आपका जो भी वैल्यूएबल प्रेशियस फीडबैक होगा वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर देखें ताकि उससे बेसिकली मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं और अच्छे तरीके से आपको वीडियोज़ इस चैनल पे मिलते रहेंगे चलो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कॉस्ट ऑफ इक्विटी सो कॉस्ट ऑफ इक्विटी काफी इंपॉर्टेंट है हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है के, के बेसिस पे कैलकुलेट करना पड़ता है और इसके लिए जो मेजर फॉर्मूला होता है वो आपको याद रखना है वैसे तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स है डिविडेंट डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस ये आपका बहुत बार पेपर में पूछा जाता है डिविडेंट डिवाइड बाय मार्केट प्राइस इंटू हंड्रेड प्लस ग्रोथ तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये आपको याद रखना है डिविडेंड अपॉन मार्केट प्राइस इंटू हंड्रेड प्लस ग्रोथ तो दिस इज तो 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 <विध> से दिध दिध द सेकेंड पार्ट विच यूजली वी आर यूजिंग टू सॉल्व द प्रैक्टिकल क्वेश्चन एंड वी आर गोइंग टू डू वॉट इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द डब्लू ए सीसी तो डब्ल्यू एस सी सी इस चैप्टर में कैलकुलेट करना पड़ता है अभी आप कहेंगे सर वॉट इज दिस डब्ल्यू एस सी सी डब्ल्यू एस सी सी का मतलब होता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल सो हमें क्या करना पड़ता है We need, to calculate the, we need to calculate the cost of equity, cost of preference, cost of retained earnings and the cost of debt and according to that we will see how much sources are used by the company and we will be calculating the overall uh, WACC called as weighted average cost of capital of that company. So cost of debentures or cost of debt formula is interest divided by 1 minus tax interest bracket 1 minus tax. एंड के ई डिविडेंट अपऑन मार्केट प्राइस इंटू हंड्रेड प्लस ग्रोथ ये आपको याद रखना है काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है जो आपको यहाँ पे याद रखने हैं तो ये मैंने सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे uh, तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के पी रिटर्न अर्निंग सबके फार्मूलाज यहाँ पे एक फॉर्मूलाज को आप एक बार गो थ्रू कर लेना पेपर के पहले काफी इंपॉर्टेंट है दिस फार्मूलाज विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो कॉन्सेंट्रेट ऑन एवरी फॉर्मूला सब शॉर्ट में यहाँ पे मैंने लिख के दिया है और टेलीग्राम का चैनल है लास्ट मिनट ट्रिव्यूजन विद आर एस एम जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और लास्ट मिनट ट्रिव्यूजन विद आर एस एम का ऐप भी अवेलेबल है प्ले स्टोर में वो भी डाउनलोड कर ले आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेंगे और ये जो पी है जो आपका कल का पीडीएफ और आज का पीडीएफ जैसा ही आपका ये लेक्चर खत्म हो जाएगा वैसे पीडीएफ आपको ऐप आप के ऊपर मिल जाएगा पीडीएफ ऐप के ऊपर अपलोड कर दूंगा दोनों पीडीएफ आपको वहाँ पे मिलने वाले हैं फ्री में मिलने वाले हैं यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग और टेलीग्राम का चैनल के साथ भी आप हमसे जुड़ सकते हैं ताकि आपको अगले नोटिफिकेशन जो होंगे टाइम टू टाइम बेसिस पे मिलते रहेंगे पार्ट वन के जैसे वीडियोस आपको मिल रहे हैं वैसे ही आपको पार्ट टू के भी वीडियोस वहां पे आपको मिलेंगे तो टेलीग्राम चैनल और लास्ट मिनट रिविजन विद आर का ऐप जरूर डाउनलोड कर ले बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पे फ्री में मिलने वाली है नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो मैंने ऑलरेडी आपके साथ अभी डिस्कस किया है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज वॉट इट इज़ अ कंबाइंड कॉस्ट It is composite cost we can term at it is also called as the overall cost of capital of a firm and is calculated from the various sources available. So we discussed that We have different different sources. We have uh, equity. We have preference. We have retained earnings. We have debt. So all these sources will be combined or consolidated together and we will be finding out the cost of these sources uh, overall cost. So that will be considered as what that will be considered as WACC. ज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो इस चैप्टर में आपको इतनी सारी चीजें ध्यान रखनी है uh, अगर हम बात करें तो वी हैव तीन बेसिक बेसिक पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो दो टाइप के कॉस्ट हमने पड़े एक होता है आपका एक्सप्लिट कॉस्ट दूसरा होता है इम्प्लिसिट कॉस्ट एक्सप्लिसिट में तीन पॉइंट्स कवर होते हैं इक्विटी प्रेफरेंस एंड डिबेंचर्स और इम्प्लीसिट में आपका रिटर्न अर्निंग्स कवर होता है और बाकी हमने डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज पढ़ लिए दैट इज आल्सो वेरी रिलीवेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और ये सारे के सारे जो कॉस्ट है उसको अगर हम कंबाइंड कर देते हैं तो हमें जो एक ओवरऑल कॉस्ट मिलती है दैट ओवरऑल कॉस्ट इज कॉल्ड एज वॉट इट इज कॉल्ड एज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल डब्ल्यू याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है तो दिस इज चैप्टर ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉल्ड एज कैपिटल स्ट्रक्चर थियोरीज तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ से आपको पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन जा सकते हैं वैसे तो सारे ही चैप्टर के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे Uh, जो हमने अभी तक सीख लिए लेकिन लास्ट मोमेंट में हर चैप्टर के बेसिक्स क्या क्या होंगे बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर कमेंटिंग सर लास्ट मोमेंट में क्या पढ़े लास्ट मिनट में कैसे रिवाइज करें इसलिए आपको इस चैनल पे चैनल का नाम ही आपको पता है लास्ट मिनट रिविजन तो लास्ट मिनट रिविजन में किस तरीके से चीजों को आपको कवर, कवर अप करना है पहले तो ऑफलाइन एग्जाम होते थे तो फिर सम सॉल्विंग आते थे अभी एमसी क्यूज में हाउ टू एनालाइज दैट तो विच काइंड ऑफ एम सी क्यूज विल बी आस ट्रेट kind of इसीलिए आपको ये सेशन काफी हेल्पफुल होंगे तो लेटस मूव टूवर्ड्स द लास्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज द कैपिटल स्ट्रक्चर थियोरीज तो कैपिटल स्ट्रक्चर थियोरीज में आपको क्या पूछा जाएगा पेपर में पहले तो कैपिटल स्ट्रक्चर हमने सोर्सेस के बारे में अभी अभी डिस्कस कर लिया वी हैव डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेस विच द कंपनी इज यूजिंग सो नाउ व्हाट विल बी द कंसेप्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर कैपिटल स्ट्रक्चर इज नथिंग बट इट इज द मिक्स ऑफ द वेरियस काइंड ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ द फंड हैव डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज जैसे अभी हमने डिस्कस कर लिया वी हैव इक्विटी वी हैव प्रेफरेंस वी हैव डेट वी the loan so all this different different long term sources jo hai उन सारे सोर्सेज को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं उन सारे सोर्सेज को अगर हम कंसॉलिडेट uh, करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज द कैपिटल स्ट्रक्चर नाउ द क्वेश्चन अराइजेज कंपनी में माइट बी हैविंग इक्विटी कंपनी माइट बी हैविंग डेट कंपनी माइट बी हैविंग द रिटर्न अर्निंग्स ऑल्सो तो द क्वेश्चन अराइजेज हाउ मच शुड बी इक्विटी हाउ मच शुड बी द डेट कितना प्रपोर्शन इक्विटी होना चाहिए कितना प्रपोर्शन डेट होना चाहिए तो इसके लिए ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि आ, जो कैपिटल स्ट्रक्चर है आपका उसमें जो डिफ़रेंट डिफरेंट सोर्सेस ऑफ फंड्स आप यूज़ कर रहे हो उसमें कितना प्रपोर्शन आप इक्विटी रखोगे कितना प्रपोर्सन आपका प्रेफरेंस होगा कितना प्रपोर्शन आपका डेट होगा तो वो आपको इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है और उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के थियोरीज़ बनाए गए हैं जो हम अभी हम डिस्कस करने वाले हैं प्राइमरी uh, ऑब्जेक्टिव क्या है व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एक ही है कि जो मार्केट वैल्यू है कंपनी का जो शेयर्स का मार्केट वैल्यू है फर्म का जो मार्केट वैल्यू है उसको बढ़ाना मतलब एवरी कंपनी वांट्स टू ग्रो एवरी कंपनी वांट्स दैट इट्स शेयर प्राइजेस इन द स्टॉक मार्केट शुड इंक्रीज For that purpose, there is a important point, and uh, the important point is there should be a proper combinations of the combination of the equity, combination of the debt, and that is why capital structure uh, plays a very important role, very vital role over here. Now, how how can we decide that how much proportion should be equity, how much proportion should be debt? Uh, we don't have to decide anything. Uh, there are certain experts, there are certain professionals, there are certain authors. हु हैव गिवन एस डैट इतना प्रपोर्शन डेट होना चाहिए इतना प्रपोर्शन ये होना चाहिए लेकिन वो उसके लिए हमको थियरीज को थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा तो टोटल चार अप्रोचेस आपको पढ़ने हैं कैपिटल स्ट्रक्चर के रिलेटेड कि चार जो डिफरेंट डिफरेंट डिफरें अप्रोचेस है उसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहला जो अप्रोच है दैट इज कॉल्ड एज नेट इनकम अप्रोच देखो एक्सपर्ट्स ने अपनी अपनी राय दी एक्सपर्ट्स ने अपना अपना ओपिनियन दिया और उन्होंने कहा कि आ, ये अप्रोचेस के बेसिस पे अगर आप यूज करोगे तो कंपनी का जो वैल्यू ऑफ द दम है वो बढ़ता जाएगा मतलब कंपनी का पोजीशन जो है वो अच्छा होगा वैल्यू ऑफ द फॉर्म बढ़ेगा वैल्यू ऑफ द फॉर्म बढ़ेगा तो शेयर प्राइस भी बढ़ेगा पहला अप्रोच जो है दैट इज कॉल्ड एज नेट इनकम अप्रोच नाउ व्हाट इज दिस नेट इनकम अप्रोच इज सेइंग मैं आपको हर एक अप्रोच का क्रक्स बताता हूं ताकि आपको लास्ट मोमेंट में और बाकी कोई चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो अगर आपको ये सेशन अभी तक अच्छा लगा है तो लाइक like का बटन जरूर दबाए आप वीडियोज देखते हो लाइक like का बटन नहीं दबाते हो कमेंट भी करें लाइक like का बटन दबाए और कमेंट करें जो भी आपकी राय होगी जो भी आपको लगता है कि ये सेशन आपको यूजफुल हुआ है या नहीं एक बार मुझे कमेंट करके बताए ताकि मुझे भी पता चले फर्स्ट अप्रोच इज कॉल्ड एज नेट इनकम अप्रोच सो नेट इनकम अप्रोच जो है वो दैट इज बीन गिवन बाय डेविड ड्यूरेंट किसने दिया है ये पहले सबसे इंपॉर्टेंट डेविड ड्यूरेंट पेपर में तो नाम नहीं पूछा जाएगा किसने दिया पर आपको याद रखना है नेट इनकम अप्रोच इज गिवन बाय डेविड ड्यूरेंट और नेट इनकम अप्रोच जो डेविड ड्यूरेंट ने दिया है उन्होंने क्या कहा है ही इज ऑफ द ओपिनियन दैट नेट इनकम अप्रोच इज सेइंग दैट आप अपने जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें सबसे ज्यादा यूज करो डेट सबसे ज्यादा क्या यूज करोगे डेट यूज करोगे बिकॉज डेट इज द चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस ऐसा डेविड ड्यूर ने नेट इनकम अप्रोच में कहा है, जो है वो बहुत महंगा सोर्स ऑफ फाइनेंस है अगर आप डेट का प्रोपोर्शन अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में बढ़ाओगे डेट का प्रोपोर्शन अगर आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में बढ़ाओगे तो वैल्यू ऑफ दी फर्म जो है वो बढ़ेगी वाई वैल्यू ऑफ दी फर्म बढ़ेगी बिकॉज डेट इज़ द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ ऐसा कहा है डेविड ड्यूरेंड ने कौन से अप्रोच में नेट इनकम अप्रोच में कहा है तो आपको याद रखना है नेट इनकम अप्रोच का क्रक्स क्या है नेट इनकम अप्रोच का क्रक्स यही है कि जैसे जैसे आप अपने कंपनी में डेट का पोर्शन बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपके ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो होगी ओवरऑल कॉस्ट होगी वो कम होगी और अगर ओवरऑल कॉस्ट आपकी कम होती है तो वैल्यू ऑफ द फर्म जो है वो बढ़ते जाएगा और हम यही करते हैं कि वैल्यू ऑफ द फर्म को बढ़ाए और वैल्यू ऑफ द फर्म आपकी कैसे बढ़ेगी अगर हम डेट का पोर्शन बढ़ाते जाएंगे तो आपके वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ेगी तो दैट इज द बेसिक क्रक्स ऑफ नेट इनकम अप्रोच एंड आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू सेकेंड कंसेप्ट जो है सेकेंड अप्रोच जो है दैट इज नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच दिस नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच इज से दिस इज ऑल्सो गिवन बाई डेविड ड्यूरेंट मतलब पहले कहता है कि आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट के पोर्शन को बढ़ाओ तो डेट के पोर्शन को बढ़ाओगे तो आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगा और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होता है तो आपका वैल्यू ऑफ द फॉर्म बढ़ेगा ऐसे उन्होंने फर्स्ट अप्रोच में कहा बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है सेकेंड जो अप्रोच उन्होंने कहा है दैट इज नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच नाउ वॉट डज दिस नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच इज से यहाँ पे उन्होंने कहा कि अगर आप अपने कैपिटल uh, स्ट्रक्चर में डेट का पोर्शन बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे तो वैसे वैसे इक्विटी वाले इक्विटी शेयर होल्डर्स डर जाएंगे और वो कहेंगे या इक्विटी इन्वेस्टर्स जो होंगे वो डर जाएंगे और वो कहेंगे कि इस कंपनी में डेट का पोर्शन ज़्यादा है तो डेट का पोर्शन ज़्यादा है तो इसीलिए इक्विटी वाले क्या करेंगे इक्विटी वाले भी ज़्यादा प्रॉफिट डिमांड करेंगे मतलब ज़्यादा रिटर्न्स डिमांड करेंगे तो इक्विटी भी इक्विटी की भी कॉस्ट जो होगी वो धीरे धीरे क्या होगी बढ़ते जाएगी अभी हमने क्या सीखा कि जैसे जैसे आप डेट का पोर्शन बढ़ाओगे वैसे वैसे आपकी ओवरऑल कॉस्ट कम होगी लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है जैसे जैसे आप डेट के पोर्शन को बढ़ाओगे वैसे वैसे इक्विटी वाले भी अपनी कॉस्ट बढ़ाएंगे और इक्विटी वाले अपनी कॉस्ट बढ़ाएंगे तो फिर वैल्यू ऑफ दी फॉर्म क्या होगी कम हो जाएगी और हमें वैल्यू ऑफ दी फॉर्म को कम नहीं करना है हमें वैल्यू ऑफ दी फॉर्म को बढ़ाने का काम करना है दैट इज द सेकेंड अप्रोच फिर तीसरा अप्रोच आया और तीसरा अप्रोच था ट्रेडिशनल अप्रोच नाउ वॉट इज दिस ट्रेडिशनल अप्रोच मीन वेरी सिंपल है ट्रेडिशनल अप्रोच यह कहता है कि ना नेट इनकम अप्रोच का सुनो ना नॉन नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच का सुनो मतलब ना डेट के पोर्शन को, को ज्यादा रखो ना इक्विटी के पोर्शन को कम रखो आप दोनों में एक अच्छा जुडिशियल डिसीजन लो जुडिशियस डिसीजन लो कितना प्रपोर्शन रखना है डेट और कितना प्रपोर्शन रखना है इक्विटी मतलब ना एक ज्यादा होना चाहिए दूसरा एकदम कम होना चाहिए प्रॉपर उसका कॉम्बिनेशन रखो एंड दैट इज बीन एक्सप्लेन बाय द कंसेप्ट ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच लास्ट अप्रोच इसमएम अप्रोच एम एम अप्रोच कहता है मॉडिग्लिनी मिलर अप्रोच मॉडिग्लिनी मिलर अप्रोच बोलता है ये सब साइड में रखो मॉडिग्लिनी मिलर अप्रोच एक ही चीज को रिलेट करता है आर्बिट्रेज मॉडल के ऊपर आर्बिट्रेज थियरी के ऊपर रिलेट करता है और मॉडिग्लिनी मिलर अप्रोच कहता है कि हम अर्निंग्स के ऊपर ध्यान देंगे हम ये कॉस्ट के ऊपर ध्यान नहीं देंगे हम अर्निंग्स के ऊपर ध्यान देंगे इनकम के ऊपर ध्यान देंगे जैसे जैसे कंपनी का इनकम या अर्निंग्स बढ़ता है वैसे वैसे कंपनी का जो वैल्यू ऑफ द फॉर्म है वो भी बढ़ता जाएगा बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको सारे अप्रोचेस को एक्सप्लेन कर दिया है तो दीज आर द टोटल फोर अप्रोचेस और इस चैप्टर में हम क्या करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस दिए जाते हैं और वो ऑप्शंस के बेसिस पे भी प्रिपेयर अ कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी इक्विटी इतना है प्रेफरेंस इतना है उस बेसिस पे हम प्रिपेयर कर लेते हैं आई होप दिस थ्री टॉपिक्स के जो बेसिक्स थे वो आपके रिवाइज हो चुके हैं एमसीक्यूज मैंने टोटल सिक्स एमसीक्यूज के वीडियोज अपलोड कर लिए हैं और ये सारे छ के छीडियोज आप देखना काफी आपको उससे हेल्प मिलेगा और अगर आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें अपने फ्रेंड्स में शेयर करें एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल सब्सक्राइब करें ताकि अगले बार आपको नोटिफिकेशन टाइम टू बेसिस पे आते रहे थैंक यू वेरी मच फ्रॉम दिस वीडियो नेक्स्ट टाइम मिलेंगे टिल देन एज ऑलवेज वर्क हार्डर Be smarter.